हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स सो लेट्स बिगिन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सॉफ्टवेयर आप सभी ने अपनी डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किए हैं बट व्हाट इज एग्जैक्टली अ सॉफ्टवेयर वेल हमने प्रीवियस क्लास में प्रोग्राम डिस्कस किया था दैट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर वॉट टू डू Such programs, when grouped together, form a software. So, we can say that software refers to the set of programs which makes the computer work. Alright? Now, when we talk about the different categories of a software, there are three broad categories. The first one is system software, second, application software, and third is यूटिलिटीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन डिटेल लेट्स विद सिस्टम सॉफ्टवेयर अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंटरनल लेवल पर काम करते हैं दी सॉफ्टवेयर वर्क एट द इंटरनल लेवल ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड दैट दे आर क्लोज टू द सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूजर यानी कि हम डायरेक्टली यूज नहीं करते right? और राइट दे इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू मैनेज इट्स रिसोर्सेस एंड वेन इट कम्स टू रिसोर्सेज कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स की बात की जाती है रिसोर्सेस में right? तो और राइट तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैनेज करेगा ताकि यूजर उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है और राइट नाउ वेन इट कम्स टू द एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, असेंबलर कंपाइलर एंड मच मोर असेंबलर्स और कंपाइलर्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अब जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं आपने कंप्यूटर लैब में भी सिस्टम्स ऑन किए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सिस्टम ऑन करते ही आपकी स्क्रीन पर लिखा आता है लोडिंग विंडोज विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज लोड नहीं होगा तो आपको आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन विजिबल नहीं होगी और अगर आपका डेस्कटॉप ही विजिबल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का, का काम करता है और राइट? सो देर आर मेनी वराइटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने विंडोज पर तो काम भी किया है अपार्ट फ्रॉम दैट लिनेक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है राइट ऑल्सो जनरली द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड इन द लो लेवल लैंग्वेजेस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड कैटेगरी एंड दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब आप सभी स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और आपने अपने स्मार्टफोन्स में बहुत सारे एप्स भी यूज़ करी होंगी फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर एप में आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरे मंथ का सिमिलरली कैलकुलेटर ऐप से आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं तो इसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं सो दी सॉफ्टवेयर

देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सभी आपने यूज किए हैं राइट गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर जो आपने इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया होगा नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और राइट द फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड कैटेगरी इज कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

हम ऑफिस में पेन एंड पेपर अप्रोच कम से कम यूज करते हैं हम डिजिटल कॉपीज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर के लिए भी उसे सेव करके रख सकें तो अब इस केस में हमारे पास एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी ऑफिस में ये यूज किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए देन इट इज सेम वेन एवर इट इज सोल्ड अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज परचेस करती हूं तो उसमें मुझे भी एम एस वर्ड जो मिलेगा सेम आपको भी परचेस करने पे वही सॉफ्टवेयर मिलेगा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा इट प्रोवाइड्स द एनवायरमेंट टू डेवलप कस्टम मेड सॉफ्टवेयर जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो डेवलप करने के लिए भी आपको जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड मच मोर नाउ लेट्स है लुक एट द कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बिल्ड फॉर यूनिक बिजनेस नीड्स यानी कि अगर आप एक स्पेसिफिक बिजनेस रन करते हैं और उसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हैं तो वो आपका कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा इट इज यूनिक वेन एवर इट इज सोल्ड क्योंकि हर यूजर ने अपने हिसाब से हर कस्टमर ने अपने हिसाब से ये सॉफ्टवेयर बनवाया है तो इसीलिए जब भी इस सॉफ्टवेयर को बेचा जाएगा तो ये डिफरेंट होगा इट इज डेवलप्ड एज पर द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और वी कैन से एन ऑर्गेनाइजेशन और राइट इसके एग्जाम्पल्स हैं होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और फी कलेक्शन सॉफ्टवेयर जो कि स्कूल्स में यूज होते हैं राइट डिफरेंट बिजनेस के या डिफरेंट स्कूल्स के अपने अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि उनकी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर दिए गए हैं सो दीज आर योर कस्टम मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाउ लेट्स मूव ऑन टू दर्ड कैटेगरी विच इज यूटिलिटीज अब यूटिलिटी का इन जनरल मीनिंग होता है यूजफुल और बेनिफिशियल सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज This software performs the routine but necessary job in a computer system. अब कौन सी ऐसी नेसेसरी जॉब्स हैं फर्स्ट इज बैकअप ऑफ डेटा आप अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं उसका एक बैकअप बनाकर ताकि इन केस अगर आपके सिस्टम में कुछ मेल फंक्शंस हो जाए तो आपके डेटा पे कोई थ्रेट नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास आपका डेटा एक और उसकी कॉपी सेपरेट जगह पे सेव्ड होगी देन रिकवरिंग एक्सीडेंटली डिलीटेड डेटा अगर आपसे गलती से डेटा रिमूव हो गया है और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं एंड द थर्ड वन इज टेस्टिंग द डिस्क इंटेग्रिटी डिस्क इंटेग्रिटी मीन्स कि आपकी हार्ड डिस्क पर जो डेटा सेव हो रहा है जो स्टोर हो रहा है वो एक्यूरेटली स्टोर हो रहा है या नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से कैरी आउट की जाती हैं। एग्जाम्पल्स में भी द डिस्क डी फ्रेगमेंटर और द सिस्टम रिस्टोर ऑफ विंडोज ऑल राइट नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज वट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर सो फार फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज देन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर योर लो लेवल लैंग्वेजेस लेवल लैंग्वेजेस उनका क्या यूज होता है उनमें यूजर्स जो है वो प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं बाई द हेल्प ऑफ इंग्लिश वर्ड्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देन वी डिस्कस्ड द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सो देर आर थ्री कैटेगरीज सिस्टम एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज वॉट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर

the utility software which help us to perform the routine jobs in a computer all right so with this we have completed our lesson i'll see you in the next video